दोस्तों, जानवर हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके हंसा देने वाले कारनामे नहीं देख पाते, क्योंकि ऐसे कांड हमेशा नहीं होते, इसलिए इन्हें देख पाना मुश्किल होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें जानवरों के हंसा देने वाले कारनामे हम देख सकते हैं। तो हर बार की तरह हमारी ये वीडियो भी काफी कमाल की होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 95। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। गोरिल्लाज हमेशा से ही जू में बैठे बैठे कुछ न कुछ अतरंगी कांड करते हैं, और उनके ये कारनामे हंसी आने वाले हैं, जिन्हें देखकर कोई शायद ही बोर हो सकता है। वैसे ही यहाँ ये गोरिल्ला खड़ा था कि तभी सामने से दूसरा गोरिल्ला उसके पास आता है और ये गोरिल्ला उस पर बलम पिचकारी छोड़ देता है, जिसके बाद इस गोरिल्ला के एक्सप्रेशंस तो देखिए कितने फनी लग रहे हैं। बोलो जुबा की से। ए, क्या बोलती तू? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आ तू इंसान है कि कौन है? हर एक फ्रेंड कमीना होता है। एक फोटोग्राफर की बदौलत हमें ये मोमेंट देखने को मिला, जिसमें एक कैपेबरा मगरमच्छ की सवारी करते दिखाई देता है। अब पता नहीं ये दोनों इतनी जल्दी में कहां भाग रहे हैं। हम गोवा तक छोड़ सकते? गोवा गोवा आयो, आओ ना जी, आओ। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। ओके। So I'm taking my time on my ride. आगे से लेफ्ट टर्न। आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। आजकल हर किसी जगह पर स्कैम होते हमें पता चल रहे हैं, और उनमें फ्यूल पंप भी शामिल है, क्योंकि कई फ्यूल पंप पर पूरे पैसे लेने के बाद भी कम पेट्रोल दिया जाता है, जिस वजह से ये बंदर भाई भी फ्यूल पंप पर पहुंच गया और सभी गाड़ियों की टंकी में झांक कर देखने लगा कि फ्यूल ठीक से भरा है या नहीं। लगता है भाई को इंस्पेक्शन की नई नौकरी मिली है, जिसके चलते ये सभी गाड़ियों का मुआयना करने पहुंच गया। सबके सब चोर हैं साले। नमस्कार, अच्छे से तेल भरना, एक बूंद भी कम ना होना चाहिए। कड़क है। हट बाजू में, हट रे, हट। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। बिल्लियों की जब भी किसी के साथ लड़ाई होती है, तब उनके पास एक ही हथियार होता है, वो सामने वाले जानवर को थप्पड़ लगा देती है, जिस वजह से सामने चाहे मगरमच्छ भी हो वो वहाँ से भाग जाता है। वैसे ही यहाँ ये बुड़चक बिल्लियों के खाने पर अपना मुंह मारना चाहता था, जिस वजह से बिल्ली ने बेचारे को थप्पड़ लगा दी, और इस वजह से ये बुड़चक बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीकर ही वहाँ से चला गया, जो सोच रहा होगा ये सारे तो गुंडे बदमाश है। मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? मैं नहीं जाऊंगा। देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। हाथी को साथी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भले ही साइज में बड़े हो, फिर भी ये खतरनाक नहीं होते, और जब भी किसी जानवर को इनकी मदद की जरूरत पड़ती है तो ये तुरंत उस जानवर की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और वैसा ही मोमेंट एक और बार कैमरे में कैप्चर हो गया, जो अमेजिंग था। यहाँ इस झील में एक मगरमच्छ ने डियर को पकड़ लिया, जो उसका शिकार करने वाला था, लेकिन तभी हाथी ने पानी में जाकर मगरमच्छ को वहां से भगा दिया और डियर बच निकला। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने? उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। धन्यवाद। अगर हम आपसे पूछे कि किस जानवर को हेडशॉट देने का सबसे बड़ा कीड़ा होता है, तो आप में से कुछ लोग समझ जाएंगे कि हम गोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा से ही बाकियों को बेवजह हेडशॉट देने की चुल होती है, और लगता नहीं कि इनकी ये चुल कभी शांत होने वाली है, क्योंकि यहाँ ये घोड़ा अपने काम से काम रखते हुए खड़ा था कि तभी पीछे ये बकरी उसे हेडशॉट देने की तैयारी कर रही है, जिसने पहले तो कुछ सेकंड्स प्रैक्टिस की और फिर बेचारे घोड़े की टांग तोड़ दी, जो उसे किक भी नहीं दे पाया। लगता है इन दोनों में बड़ी वाली मारामारी होने वाली है। टारगेट लॉक्ड।
पहली फुर्सत में निकल। मारता का कोई प्रॉब्लम है तो चलना, साइड में चल के सॉल्व करते हैं। किसी भी जानवर के सामने अपने शॉर्ट वीडियो या फिर कहो रील्स बनाने से पहले दो बार सोच लेना, क्योंकि ऐसा कांड किसी के साथ भी हो सकता है। ए बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। यहाँ ये शख्स अपनी वीडियो शूट कर रहा था कि तभी पीछे से गाय ने आकर उसका पिछवाड़ा चाटने की कोशिश की, जिसके बारे में पता चलते ही भाई वहाँ से हट गया, वरना बेचारी गाय को आज पता नहीं क्या नया टेस्ट करने को मिलता। सब थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट करना है। माँ की याद दिला दी आपने, वो भी यही कहती थी, थोड़ा थोड़ा खाओ चखो। कितना पावड़ा खाता है दबा के। यहाँ ये कुत्ता भाई स्क्वेरल पर निशाना लगाकर बैठा था, लेकिन तभी कहानी में क्या ट्विस्ट आया ये आप खुद देख लीजिए। तो देखा आपने, जैसे ही कुत्ता भाई स्क्वेरल पर हमला करने की कोशिश करता है, तब उसने भी अपनी बंदूक निकाली और कुत्ता भाई को वहां से भगा दिया। वैसे तो ये वीडियो एडिट की गई है, लेकिन ये नजारा देखने में बड़ा मजा आ रहा है, क्यों सही कहा ना दोस्तों। गाइज, आपने अभी तक जानवरों को इंसानों के इलाके में घुसते देखा होगा, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान भी इनके इलाके में घुसते दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से एक सील इस किनारे पर आकर बैठ गई जो मस्त आराम कर रही थी। लेकिन एक लड़की वहां आई और उस सील को भगाने लगी। लड़की ने उसे हाथ से इशारे कर निकलने के लिए कहा, लेकिन ये सील भी उसे हाथ कर रही है, जिसे लगा कि लड़की उसको हेलो कहने की कोशिश कर रही है। बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह डरा मत। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस न कर पाएं। कुत्तों को बचपन से बेमतलब सभी को परेशान करने की आदत होती है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि बाकियों से बेवजह पंगे लेना कितना महंगा पड़ सकता है। खैर, कुछ कुत्तों को इस बात का सबक मिल गया है, लेकिन अभी कुछ बाकी है जो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। यहाँ ये दो कुत्ते बाहर खड़े बुल को छेड़ते हुए उस पर भौंके जा रहे हैं, जबकि बुल ने उसे कुछ किया भी नहीं था। लेकिन जब बुल को गुस्सा आया, तब उसने इन्हीं के गेट में घुसकर कुत्तों को सबक सिखाया। इतना ही नहीं, ये बुल सीधा अंदर घर में ही घुस गया। ए, क्या रे, निकले यहाँ से, रेलवे स्टेशन है क्या ये? अबे कौन है तू, प्रधानमंत्री? मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? शायद बुल को लगा कि कुत्ते उसे घर में खाने पे बुला रहे हैं। अरे यार, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यहाँ ये ममा और बेबी रास्ता क्रॉस कर रहे थे, और ममा पिगी ने भागते भागते ही दीवार से छलांग लगा दी, और ये बेबी पिग वहीं रह गया, जो सोच रहा होगा ये ममा दीवार से होकर गायब कैसे हो गई। नहीं 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 नहीं, और मम्मी रे, अरे बाबा क्या हाल है, इधर आना, थोड़ा इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। खैर, बाद में उस पिगी को बैरियर के पास पहुंचा दिया। चूहा और बिल्ली हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। ये दोनों जहां भी एक दूसरे को देखते हैं, वहां इनमें मारामारी शुरू हो जाती है, और उस मारामारी में हमेशा बिल्ली ही चूहे पर भारी पड़ती है, लेकिन हर बार ही ऐसा हो ये कहना जरा मुश्किल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ ये चूहा बिल्ली एक दूसरे के सामने आ गए, जिन्हें देखकर लगता है कि बिल्ली चूहे का कचुंबर बना देगी, पर ऐसा ना होते हुए उल्टा चूहे ने ही बिल्ली को डराकर वहां से भगा डाला, जो आज जरा ज्यादा ही जोश में लगता है। ओए मोटे, इधर बैठे। लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है, जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बंदर कितने नौटंकी होते हैं ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आपने उनका ये मोमेंट लाइव नहीं देखा होगा, इसलिए हम आपको वो मोमेंट अभी दिखाते हैं। यहाँ ये बंदर काफी देर से रोने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि उसे कोई भाव भी नहीं दे रहा, जिस वजह से उसने अपनी एक्टिंग ओवर एक्टिंग में तब्दील कर दी और अपनी ममा की गोद में जाकर बैठ गया। पापा, मुझे नहीं जाना स्कूल, प्लीज। क्यों नहीं जाएगा स्कूल, तेरा तो बाप भी जाएगा।
रे रे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है, केला खाने का तेरे को। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पार्ट 96 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 96। कुत्तों के दिमाग में कब क्या चल रहा होता है ये उन्हें भी नहीं पता होता, और उस वजह से हमें उनके ऐसे कांड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ ये लड़की अपने कुत्तों को खाने के लिए आइसक्रीम दे रही थी, जिसके चलते सभी कुत्ते एक एक करके अपने हिस्से की आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन इनमें से एक कुत्ता आइसक्रीम को मुंह तक लगाना नहीं चाहता। हमें पता है आप भी यही सोच रहे होंगे कि इस कुत्ते को शायद भूख नहीं लगी है, लेकिन बाद में क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए। तो देखा आपने, ये कुत्ता तो छुपा रुस्तम निकला, जिसने एक बाइट में ही आधी आइसक्रीम खत्म कर दी, जबकि बाकी के कुत्ते आइसक्रीम को सिर्फ टेस्ट कर रहे थे। ला दे, अरे ला ना, ला, ला। मेरा को करने दे, मेरे को करने दे रे बाबा। आपको दिखता नहीं सोडा बोतल जितना ज्यादा ग्लास है आपके चश्मे का। मेरे को करने दे। ओ, अभी मेरी बारी है। ओके, सब खा गए, कुछ नहीं बचा। जानवर चाहे कोई भी हो, ये बेवजह है किसी पर हमला नहीं करते, फिर सामने चाहे इंसान ही क्यों ना हो। खैर अगर जानवर मस्ती के मूड में हो तो बात अलग है, वैसे ही यहाँ ये दो बेयर मजे से खेलते हुए कहीं जा रहे थे कि तभी इन्होंने सामने इस आदमी को देखा, जो बेयर को देखकर काफी डर गया। आदमी को डरता देख एक बेयर उसके करीब गया और अचानक ये दोनों वहां से भाग निकले, जो कह रहा होगा अबे साले हम तो हमारा खेल खेल रहे हैं, तू क्यों डर रहा है। चप्पल छूट गया, हम फर्स्ट। ये रंगीन चद्दर कौन है मेरा? पता नहीं, मैं तो प्याज लेने आया था। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई उसकी, जा लीजिए। खैर जानवरों के ऐसे मोमेंट कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी तो इसे एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।